Tell us about the electronic transitions in different molecular orbitals. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में बैंड का उद्गम संयोजक इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण होता है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार दो परमाणु कक्षक संयोग करके दो आणविक कक्षक बनाते हैं। इनमें से एक कम ऊर्जा वाला बंधी अणुकक्षक तथा दूसरे अधिक ऊर्जा वाला विपरीत बंधी अणुकक्षक होता है। अणु बनता है तो बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बंधक कक्षकों में रहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध बनाते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो पाई बंध बनाते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन किसी बंध में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें अबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वे अबंधी कक्षकों में रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को एनइलेक्ट्रॉन कहते हैं। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षकों में रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है और विपरीत बंधी कक्षकों में चले जाते हैं। सिग्मा और पाई बंधों से संबंधित विपरीत बंधी कक्षकों को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कोई बंध नहीं बनाते हैं, अतः इनके कोई विपरीत बंधी अणुकक्षक नहीं होता है। विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम सिग्मा लेस देन पाई लेस देन एन लेस देन पाई स्टार लेस देन सिग्मा स्टार। जब अणु यूवी क्षेत्र में अवशोषण करता है तो चार प्रकार के संक्रमण संभव है। नंबर वन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नंबर दो एन टू सिग्मा स्टार, तीसरा पाई टू पाई स्टार, चौथा एन टू सिग्मा स्टार। इसमें सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार संक्रमण सममिति अनुमित नहीं है। ये चित्र देख लिया आपने, चार प्रकार के संक्रमण दिया है, इसमें तो दो और संक्रमण है, सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार संक्रमण सममिति अनुमत नहीं है। नंबर वन सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। इन संक्रमणों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें एस इलेक्ट्रॉन हो। एस इलेक्ट्रॉन अणु में परमाणुओं के साथ अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः इस प्रकार के संक्रमणों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे यौगिक जिनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई एन इलेक्ट्रॉन नहीं और पाई बंध नहीं हो, वे इस प्रकार के संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, दूसरा इथेन। मीथेन 225 नैनोमीटर पर और इथेन 135 नैनोमीटर पर इस प्रकार का संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। नंबर दूसरा एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण। जब किसी संतृप्त यौगिक में बंधहीन इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध से जुड़े हो, उनमें एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण संभव है। एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमणों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मध्य या विशिष्ट निकट पराबैंगनी क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च तरंग दैर्ध्य में होता है। उदाहरण एल्कोहल, थायोल, सैचुरेटेड एमीन, हैलोजन यौगिकों के अणुओं में एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। ट्राइमिथेल एमीन, मिथनॉल, मिथिल आयोडाइड में एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण के संगत लैम्डा मैक्स क्रम से 227, 174 और 258 नैनोमीटर है। नंबर तीसरा पाई टू पाई स्टार संक्रमण। यह संक्रमण असंतृप्त यौगिकों में होता है। इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा एन टू सिग्मा स्टार संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम, परंतु एन टू पाई स्टार संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है। इथेलिन CH2 में पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए लैम्डा मैक्स का मान 180 नैनोमीटर है। चौथा प्रकार का संक्रमण है एन टू पाई स्टार संक्रमण है। किसी अणु में यदि एन इलेक्ट्रॉन युक्त समूह एक परमाणु युक्त समूह के एक परमाणु दूसरे परमाणु से संतृप्त बंध बनाता हो तो एन टू पाई स्टार संक्रमण संभव होता है, मतलब डबल बॉन्ड बनाता है। इन संक्रमणों के लिए सबसे कम ऊर्जा की
आवश्यकता होती है, अतः यह निकट पराबैंगनी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। कई समूह सी डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड एंड सी डबल बॉन्ड एस आदि में N2 पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित होते हैं।